उसी तरह हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, जब जब 16 श्राद्ध में मृत्यु लोक पर पितृलोक से आते हैं, सबसे पहले तुम्हारे ही घर पर जाते हैं, आस लगाकर, विश्वास लगाकर तुम्हारे ही दरवाजे पर जाकर कुछ मांगने का प्रयास कर, कुछ पाने का प्रयास कर तुम्हारे दरवाजे। ये फर्ज आपका है, ये फर्ज आपका है कि आप उनको दे रहे हो ना दे रहे हो। ब्राह्मण भोज तो कराना चाहिए, गौ माता को रोटी का दान तो देना चाहिए। तीन व्रत पितरों के तुल्य हैं, पहला पीपल, दूसरा बट व्रत, तीसरा बेलपत्र का व्रत। बेलपत्र का कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना करकर अपने पूर्वजों के लिए इन तीन वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर आ जाए, अपनी कामना करकर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति। तीन पक्ष तीन व्रत पितरों के तुल्य, पक्षियों में कौवा हंस और गरुण ये पितरों के तुल्य, जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं। जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं, पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में, तो इनको कौवे के अंश में, गरुण के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है। महाराज फिर अगला वर्णन किया, तीन पशु कुत्ता गाय और हाथी ये पितरों के तुल्य हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में, गयासुर ने बर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा, और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वर गौ माता के लिए, तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त होगा। कुत्ता गाय और हाथी, श्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि श्वान पितरों को अपना भाग प्रदान कर देता है, श्वान रखता नहीं है, चुका देता है। फिर तीन जलचर है महाराज जो पितरों के तुल्य, मछली, कछुआ और नाग। पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है, मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त होता है, कछुआ श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर जाता है। और महाराज नाग वो भी पितरों के तुल्य माना। इन तीन पितरों के क्रम का वर्णन किया गया है, एक कौवा और एक श्वान कुत्ता, ये दो ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है कौवे को और श्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं, श्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं, और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है।
पूर्व मानवता प्राप्त होता रहता है। एक कौवा एक श्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है, कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा। दरवाजे पर कैसे, उसका भी भान है, अटारी पर कौवा कहाँ बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहाँ बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे शास्त्र में वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, यह कल से चालू होने वाला है जो 16 दिन तक चलता है। इस वीडियो में गुरुजी द्वारा श्राद्ध पक्ष की जानकारी दी गई है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है पितृपक्ष में पितृ सबसे पहले हमारे घर ही आते हैं। दोस्तों, गुरुजी का कहना यह भी है कि तीन वृक्ष या तीन पेड़ पितरों के तुल्य होते हैं, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और बेलपत्री का पेड़। यदि 16 श्राद्ध के दिनों में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने पितरों के लिए, तो आप एक कार्य कर सकते हैं, इन तीनों पेड़ों के नीचे आप भोजन रख कर आ सकते हैं। भोजन में आप पूड़ी, थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा मीठा लें और एक एक करके तीनों पेड़ों के नीचे रखें, इससे पितरों को शांति मिलेगी। पूरी वीडियो आपने सुनी ली होगी, हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।